शामली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हो गया है। राहुल गांधी की अगुवाई में शामली पहुंची यात्रा आज सुबह शामली के एलम से यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा के स्वागत के लिए रालोद के तीनों विधायक पहुंचे। प्रसन्न चौधरी, अशरफ अली और अनिल सिंह ने यात्रा का स्वागत किया। उसके बाद यात्रा केराना के लिए रवाना हुई। इलम से कांधला केराना होते हुए यात्रा हरियाणा पहुंचेगी, लेकिन हरियाणा में प्रवेश करने से पहले शामली के ऊंचा गांव में कुछ देर के लिए विराम किया जाएगा। शामली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हो गया है। राहुल गांधी की अगुवाई में शामली पहुंची यात्रा आज सुबह शामली के इलम से यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा के स्वागत के लिए रालोद के तीनों विधायक पहुंचे। प्रसन्न चौधरी, अशरफ अली और अनिल सिंह ने यात्रा का स्वागत किया। उसके बाद यात्रा केराना के लिए रवाना हुई। इलम से कांधला केराना होते हुए यात्रा हरियाणा पहुंचेगी, लेकिन हरियाणा में प्रवेश करने से पहले शामली के ऊंचा गांव में कुछ देर के लिए विराम किया जाएगा और राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। सभी सम्मानित विधायक हैं, संगठन के लोग हैं। और दूसरी बात, जो देश में किसान की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, नौजवान की बात करेगा, हर उस आम आदमी की बात करेगा जो जिसको ज़रूरत होती है सरकार की सुविधाओं की, सरकार की आवश्यकताओं की, उनकी उनकी बात करेगा, तो हम उनका सब लोगों का स्वागत करते हैं। हाँ, आदरणीय जैन जी के निर्देश पर आए हैं। और जो देखो, इस देश में जो भाईचारे की बात करेगा, जो जोड़ने का काम करेगा, तो हम उन सब लोगों का स्वागत करने का काम करेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आज आदरणीय राहुल जी का लल्लू जी थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो आके माला अर्पण करके गए हैं और अभी मैसेज लेके आए हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं हमारे मुजफ्फर अली जी, वो भीड़ में आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप मेरी तरफ से क्षमा याचना कीजिए, मैं वहाँ नहीं माल्यार्पण नहीं कर सका क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत थी। और हम इसका कोई वो नहीं, हमारे नेता ने हमें यहाँ भेजा था उनका स्वागत करने के लिए और हमने यहाँ खड़े होकर पूरी यात्रा का स्वागत किया। राष्ट्रीय लोकदल के निर्देश पर, आदरणीय चौधरी जैन सिंह के निर्देश पर यात्रा के साथ कदम ताल निकले, केवल और केवल हमारे कार्यकर्ता और विधायकगण उनके स्वागत के लिए आए हैं। और हमने एलएम में स्वागत किया और यहाँ कांधले में हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। हम यात्रा में चलने वाले नहीं थे, ना मैं यात्रा में चलने का निर्देश हुआ था, केवल स्वागत का निर्देश हुआ था, वो हमने किया है।